हे गाइस फिर से वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं विन लेटर 7.1 अपडेट की। आपको बताऊंगा इसका फुल सेटअप और बेस्ट सेटिंग, साथ ही साथ हम टेस्ट करने वाले हैं 32 बिट गेम्स जो कि सिमुलेटर में सबसे बेस्ट वर्क करते हैं। यहां पर GTA San Andreas चला के देखेंगे विथ DirectX 3.0 ग्राफिकल मोड जो कि यार बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है। मैंने होराइजन सिमुलेटर के अंदर भी 32 बिट गेम्स चला के देखे हैं जहां पर यार वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करते हैं, वहीं विन लेटर के अंदर 32 बिट गेम्स बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। सो यार आज की वीडियो काफी ज्यादा होने वाली है। वीडियो को देखना आप लोग शुरू से लेकर एंड तक, एंड यार चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद अमेजिंग वीडियो। सो गाइस ये हमारा विन लेटर 7.1 अपडेट, इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। आपको इसे ओपन करके परमिशन अलाउ करना है, देन ये इसका डेटा ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा और यहां पर आप देख सकते हो रेजोल्यूशन स्क्रीन साइज आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं 800x600 कर रहा हूं और ग्राफिकल ड्राइवर्स में यार स्नैपड्रैगन वाले टर्निप को ही सेलेक्ट करना, बट अगर आपके पास कोई दूसरा ड्राइवर है GPU है स्नैपड्रैगन के अलावा तो आप VRGL कर सकते हो। उसके बाद आपको यहां पर शो FPS को इनेबल कर देना है, साथ ही साथ ये बैकग्राउंड आप जो देख रहे हो इसे आप चेंज भी कर सकते हो। मैंने यहां पर विंडोज 10 वाला बैकग्राउंड लगा दिया, आप ये अपडेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ये भी बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद आप यहां पर नीचे स्क्रॉल करोगे आपको यहां पर GPU नेम दिखाई देगा, यहां पर आप इसे अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं यहां पर GTX 1050 Ti करने वाला हूं। साथ ही साथ यहां पर वीडियो मेमोरी रैम को आप यहां पर 4GB कर सकते हो। उसके बाद यहां पर जाना आपको एडवांस्ड में, यहां पर आप देख सकते हो बेस्ट सेटिंग बताऊंगा, यहां पर इसको आपको परफॉर्मेंस मोड पे कर देना है, X86 को भी और बॉक्स 64 को भी, और सारे कोर्स को सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर चेक बटन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपकी कंटेनर रेडी हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो कंटेनर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट पे क्लिक करके रन पे क्लिक कर देना, आपकी जो है विंडोज भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको 32 बिट गेम चला के दिखाऊंगा जो कि है GTA San Andreas, उसके बाद GTA 4 भी चला के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए GTA San Andreas चला लेता हूँ और साथ ही साथ जब गेम स्टार्ट हो जाए तो आपको यहाँ पर टास्क मैनेजर में जाना है, सर्विसेज को एंड प्रोसेस कर देना है, और साथ ही साथ जो GTA 4 है इसमें जाएंगे प्रोफेसर एफिनिटी में, यहाँ पर शुरुआत के 4 कोर्स को ऑफ करके आपको ओके कर देना है। और जब थोड़ी देर बाद जब गेम स्टार्ट हो जाए ब्लैक स्क्रीन आ जाए तो उसके बाद वापस से जाना है एफिनिटी में और ये शुरुआत के 4 कोर्स ऑफ कर देना है, तभी आपका गेम स्टार्ट होगा। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर RTS कंट्रोल्स के अंदर, एंटर दबाना है, एंटर नहीं दबाओगे तो भाई गेम का ब्लैक स्क्रीन ही रहेगा, तो ये जरूर करना है, उसके बाद ही गेम आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर DirectX ग्राफिकल मोड लगाया हुआ है, बट ये जो ग्राफिकल मोड है उतना अच्छे से अच्छा नहीं लग रहा है, और आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पर मेन्यू भी दिखाई दे रहा है ग्राफिकल मोड का, बट ये जो ग्राफिक्स हैं उतने अच्छे नहीं हैं, बट आप लोग इसे भी बेस्ट ट्राई कर सकते हो। इन फ्यूचर मैं और भी तगड़े वाले ग्राफिकल मोड लाऊंगा San Andreas के लिए, ताकि यार लो एंड डिवाइस वाले जो लोग हैं जो San Andreas गेम चला पाएंगे वो भी भाई इंजॉय कर पाएंगे DirectX इसके अंदर, क्योंकि PC वाला गेम है तो और भी नेक्स्ट लेवल ग्राफिक्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो डिसेंट FPS मिल रहे हैं, क्योंकि यार ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा ओल्ड गेम है ये वाला, 32 बिट गेम है और आपके लो एंड डिवाइस में भी इजिली चल जाएगा। तो इसी के साथ हैं हमारे GTA 4 गेम की तरफ। ऑलराइट गाइस मैंने यहां पर GTA 4 भी चला लिया है और GTA 4 के लिए मुझे यहां पर प्रोसेसर एफिनिटी को भी कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली गेम हमारा स्टार्ट हो चुका है। और यहां पर मैं आपको उसके सबसे पहले ऑप्शन में लेके चलता हूं, सेटिंग्स वगैरह दिखाता हूं भाई कौन सी सेटिंग में यहां पर चल रहा है। और आप देख सकते हो यहां पर हमारा जो एक्सबॉक्स स्टाइल कंट्रोलर वो भी अच्छे से काम कर रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये हमारी डिसेंट सी सेटिंग है और हाई सेटिंग मैंने रखी हुई है। चलो गेम को स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हो हमारा जो एक्सबॉक्स स्टाइल कंट्रोलर अभी वर्क कर रहा है, लास्ट टाइम अपडेट में प्रॉब्लम आ गई थी इस कंट्रोल्स के साथ तो अभी वो फिक्स हो चुकी है। और आप देख सकते हो हमारा GTA 4 यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, गेम प्ले मैं कर पा रहा हूँ बट ऑब्वियसली काफी ज्यादा लैग अभी हमें देखने को मिल रहा है, ये गेम बहुत ही ज्यादा लैग हो रहा है और ग्राफिकल ग्लिच भी है क्योंकि मैं हाई ग्राफिक्स में से चला रहा हूँ तो इसलिए शायद FPS काफी कम मिल रहे हैं, बट ओवरऑल आप देख सकते हो मैं इसे इजिली चला पा रहा हूँ वो भी एक्सबॉक्स स्टाइल कंट्रोलर के साथ। इन फ्यूचर में GTA San Andreas के PC वर्जन वाले ग्राफिकल मोड के साथ साथ GTA 4 के भी ग्राफिकल मोड जरूर लाऊंगा आपके लिए और वीडियो काफी ज्यादा नेक्स्ट होने वाली है, तो उसके लिए चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो यार गाइस आज के लिए इतने ही, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।